नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जैसा कि आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है। उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 रहने वाली। इसके पहले मैंने रीजनिंग में प्रैक्टिस नंबर 7 करा रखी है, साथ ही साथ मैथ की भी अपनी प्रैक्टिस रेगुलर चल रही है। तो बात यहाँ पर 5 नंबर की आती है बच्चों, 5 नंबर यहीं से पूरे आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें डिजाइन की गई। आपका सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस को विश्लेषित करने के बाद एक क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है और 5 नंबर रीजनिंग के यहीं से आने वाले हैं। बहुत सीमित चैप्टर दे रखे हैं और उन चैप्टरों को मैंने पहले बहुत अच्छे से चैप्टर को आपके कंफर्म किया, चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया। इसके बाद में अब अपनी चले प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको पता है लास्ट समय में प्रैक्टिस सेट सबसे रामबाण साबित होती है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि अपना सिलेबस देखे या सिलेबस पढ़े। अब आपको प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, जितने भी चैप्टर होते हैं उन चैप्टरों का निचोड़ रखा होता है, यानी कि एक ही क्लास से आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखने वाले रीजनिंग में अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 8, यानी इसके पहले 7 करा रखी है। इसमें आज क्या खास क्वेश्चन है इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक साथ मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए। चूंकि आपको पता है कम समय में ज्यादा चीज देने की कोशिश होती है, तो मैंने पहले से 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है विषम, बताना है विषम का मतलब बच्चों क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड वन आउट। क्या बोलते हैं, ओड वन आउट, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो अन्य सभी से क्या होगा, अलग होगा। यानी कि 3 तो एक जैसे होंगे जबकि उसमें एक क्या होगा, अलग होगा। उसे आपको बताना है कौन सा अलग है। चलिए देख लेते हैं, हम बात इसमें करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, एम लिखा है। सबसे पहले आपको कोडिंग, डिकोडिंग में मैंने आपको लेटर नंबर याद कराए थे, किसका कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप कहेंगे एम से जाना है एस में, तो एम का मान कितना होता है, 13 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। वाई का कितना होता है, 25 होता है। आप कहेंगे 13 6 19 हो गया, यानी कि प्लस का 6 करेंगे, 19 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 19 6 25 होता है, यानी कि दोनों में प्लस 6 की कंडीशन हो रही, 6 6 जो जोड़ा जा रहा है। ऐसे आप इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे पहले यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा, पहले क्या आएगा, क्यू डब्ल्यू। अब इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे के से कहाँ जाएंगे, जाएंगे क्यू में, तो इसमें प्लस का 6 करेंगे और यहाँ से जब जाएंगे तो प्लस का 6 करेंगे। बताइए क्या प्लस 6 हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। हम बात करेंगे 18 और 4 कितना होता है, 22, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है, तो आप कहेंगे 18 6 24, यहाँ पर 6 तो जुड़ रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो 24 के बाद में 25 26 27, तो आप कहेंगे सी का मान 3 होता है, 2 उधर 3 इधर, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, और यही हमारा सबसे क्या हो जाएगा, अलग। बाकी समय 6 6 जुड़ रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है, आप कहेंगे 6 5। इसे भी आप चेक कर सकते हैं, आप कहेंगे 4 से जाएंगे 10 में प्लस का 6 करेंगे, 10 से 16 में जाएंगे प्लस का 6 करेंगे, यानी कि सब में प्लस 6 हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस 6 नहीं हो रहा है, इसमें प्लस 6 प्लस 5 हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, अलग होगा। अब बात हम करेंगे इस पे कौन अलग होगा, तो आप कहेंगे इसमें 13 का भाग जा रहा है, इसमें भी 13 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें 13 का भाग जा रहा है क्या, इसमें चेक कर लेते हैं पहले, इसमें 13 का भाग जाएगा, 13 कम 13 ठीक है, इसमें देखेंगे पहले चेक कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 13 एकम 13 13 के बाद में जोड़ेंगे 8, 85 हो जाएगा, 13 के पारे में 85 नहीं आता, इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा और इसमें 13 का भाग चला जाएगा। देखो 13 एकम 13 करेंगे और बचे 11 9 117, बिल्कुल सही है, इसमें 13 का भाग, इसमें 13 का भाग, इसमें 13 का भाग, लेकिन इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है भारत, पाकिस्तान, भूटान, काठमांडू, बताइए इसमें अलग क्या होगा। आपको देखने से एक बात ये समझ आ रही होगी बच्चों, यहाँ पर कंट्री नेम दे रखे हैं, भारत एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, पाकिस्तान भी देश का नाम है, आप कहेंगे भूटान भी देश का नाम है, लेकिन आपको याद रखना है बच्चों काठमांडू किसी देश का नाम नहीं, बल्कि काठमांडू कैपिटल है कहाँ की बच्चों, नेपाल की राजधानी क्या होती है, आप कहेंगे काठमांडू होती है। तो बाकी तो कंट्री के नाम दे रखे हैं, लेकिन ये क्या है, एक राजधानी है, इसलिए हमारा क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
यहाँ पर लिखा है एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल और सैमसंग लिखा है। बच्चों बताइए इसमें अलग क्या होगा, फिर से सुनिए, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, सैमसंग, इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें सबसे अलग हो जाएगा सैमसंग हो जाएगा। सैमसंग क्यों अलग हो जाएगा? आप कहेंगे एयरटेल की बात करें, आइडिया की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, ये सब नेटवर्क है, ये सब क्या नेटवर्क है, जबकि सैमसंग की बात करें बच्चों एक मोबाइल कंपनी है। क्या है? मोबाइल कंपनी। बाकी तो आप कहेंगे सिम में आ जाती है, एयरटेल की सिम होती है, आइडिया की सिम होती है, बीएसएनएल की, बट सैमसंग की सिम नहीं होती। सैमसंग क्या है? एक मोबाइल कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसे हम इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बी ए से अधिक अमीर है। इसमें क्या लिखा है? बी जो है ए से अधिक अमीर है, यानी कि जो बी है ये किससे अधिक अमीर है? ए से। तो बी जो अधिक है उसकी तरफ हम क्या करेंगे? बड़े का सिंबल लगा दें, यानी कि बी ए से अधिक अमीर है, ठीक है। फिर लिखा है ए जो है सी से अधिक अमीर है। ए जो है सी से अधिक है ना, ए से सी अधिक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ए से कौन अधिक है? तो आप कहेंगे सी अधिक है, ए से सी अधिक है, सी अधिक है। तो आप कहेंगे इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा ना, ठीक है। फिर लिखा है सी से डी अधिक है, और सी से कौन अधिक है? तो आप कहेंगे सी के पहले डी आ जाएगा, सी से डी अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अधिक है, तथा ई सबसे अधिक है, और सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो ई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखा है? ए लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? ए। क्या लिखा था? बी से ए अधिक। अच्छा बी से ए अधिक था, बी से कौन अधिक था? बी से ए अधिक था। तो आप इस प्रकार से बना देंगे, ए के बाद क्या चला जाएगा बच्चों? बी चला जाएगा। ये आपका फाइनली आपका बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ई है। सबसे गरीब कौन है? बी है। दूसरा सबसे अमीर कौन है? डी है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि बच्चों मध्य में कौन बैठा है? तो आप कहेंगे मध्य में कौन बैठा है? सी बैठा है। मध्य में कौन बैठा है? सी बैठा है। सी आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं। चूंकि आपके एग्जाम आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? रैंकिंग दे रखा है, यानी क्रम निर्धारित करना है। तो बच्चों क्रम में संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। क्वेश्चन क्या लिखा है? युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है। महत्वाकांक्षी है यानी कि युवा कैसा है? तो आप कहेंगे बहुत महत्वाकांक्षी है। अच्छा इसके साथ और क्या दे रखा है? बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा निष्कर्ष क्या दे रखा है? ये तो कथन की बात हो गई बच्चों। निष्कर्ष क्या दे रखा है? निष्कर्ष लिखा है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है कुछ युवा बुरे प्रभाव से भटक रहे हैं, चलिए। तो कथन आपका क्या दे रखा है बच्चों? आपका कथन दे रखा है, और ये याद रखना अपनी तरफ से कोई तर्क नहीं लगाते, इसमें कथन को हमेशा 100% सही मानना पड़ता है, ठीक है। इसमें अपना लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, यदि आप ऐसा करते तो आप गलती करते हैं।
पहला लिखा है कथन युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। ये हमारा कथन है। अब कथन कहने के पीछे लॉजिक क्या होगा वो आपको पकड़ना है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। बच्चों ये तो सरासर गलत हो जाएगा। क्या कथन में ऐसा कहीं कहा गया है कि युवाओं को बिगाड़ने की बात चल रही थी, लेकिन क्या विश्वास या अविश्वास की बात तो नहीं हो रही थी? उसमें ये कहा गया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास और अविश्वास का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप जिसके बारे में नहीं कहा गया वो हमेशा गलत पॉइंट होता है, तो आप उसे क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। दूसरा पॉइंट समझेंगे, लिखा है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। बात ये ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे के कहने से अपना मार्ग बदल देते हैं, भटक जाते, तो ये बात तो सत्य हो जाएगी, क्योंकि यही तो कहा गया था कि बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे। बिगाड़ने का मतलब बच्चों क्या होता है, बिगाड़ने का मतलब होता है वो बच्चा अपने मार्ग से भटक रहा है। कहीं ना कहीं हमारा सेकेंड क्या होगा, तो आप कहेंगे सही हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है और दूसरा हमारा क्या होगा, आप कहेंगे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड को पढ़ते हैं, आप क्या सोच सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आपको अपना तर्क नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ पर ये अपना तर्क दे सकते थे कि कुछ लोग ऐसे सोच ही नहीं पाते किस पर विश्वास किया जाए किस पर ना किया जाए। अपनी अगर निजी जिंदगी से आप रिलेट करेंगे तो आप इसे सही करेंगे, लेकिन है कैसा, गलत है। ठीक है, तो इसमें अपना तर्क नहीं लगाना है, लॉजिक उसमें ढूंढना है आपको। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न लिखा है जब घड़ी में शाम के 6:44, जब घड़ी में शाम के 6:44 मिनट व घंटे की सुइयां दर्शा रही हो तो उनके मध्य में उनके बीच कोण कितना बनेगा, ये आपको बताना है। यानी कि घंटे और मिनट के बीच में बनने वाले कोण का क्या करना है, हमें कोण की गणना करनी है। ठीक है, मैंने इसके लिए बहुत अच्छा एक आपको तरीका बता रखा है। कौन सा तरीका, मैंने कहा कोण जब निकालना है, एंगल निकालना है, तो आपको करना क्या होता है, 11m/2 माइनस का 38 मैंने बता रखा है, जहां पर m क्या होता है तो आप कहेंगे मिनट होता है, s क्या होता है तो आप कहेंगे आर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लिखेंगे 11 × मिनट की बात करें बच्चों, कितने मिनट है, 44 मिनट है, तो आप कहेंगे 44/2 करेंगे, माइनस का 30 × s की वैल्यू कितनी है, 6 है, 2 से आप काटेंगे 22 बार कटेगा, 22 × 44 गेर दूनी 22 और गेर दुनी 22 × 2 = 24, आप कहेंगे 242 आएगा, माइनस का 36 × 18 180 हो जाएगा। अब इसमें आप माइनस कर देंगे 12, इसमें 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, और 24 में 18 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और आपका 62° क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 62 क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि बताइए 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। 6 जनवरी 2014 को आपको बताना है को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक कोड याद कराया था, इसके लिए मैंने एक अलग से ट्रिक भी बनाई थी। उसमें क्या मैंने बताया था, 0:33, 6:14, 6:25, 0:35 मैंने आपको सिखा रखा है, वो कोड यहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले तारीख आप लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस जनवरी की कोडिंग मैंने आपको क्या बताई थी, 0, प्लस का एक बार इसमें 4 का भाग देंगे, 7 का 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 4 का भाग देने से भागफल लेते हैं, 7 का भाग देने से शेष फल लेते हैं, आप 7 का भाग देंगे 14 में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। प्लस 2000 की कोडिंग क्या थी, मैंने आपको बताई थी 2000 की कोडिंग 6 थी। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 3 9, 9 में 7 का भाग देंगे 2 बचेगा, 6 2 8, 8 में 7 का भाग देंगे 1 बचेगा। और बच्चों 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। 1 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1 का मतलब होता है मंडे। ऐसे क्वेश्चन की मैंने बहुत अच्छी से ट्रिक बता रखी थी, आप बिना पेन के भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक। यदि आपने उस ट्रिक को देखा नहीं देखा है तो आप सर्च करके वहां पर देख भी सकते हैं, चैनल में आप एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखा यदि आज सोमवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। आज सोमवार है बच्चों, जो दे रखा होता है उसी में हम 7 का भाग देते, 61 में आप 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 56 56 5 61 कितना बचेगा, शेष 5 बचेगा। जो शेष बचता है दिए गए दिन में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप सोमवार 5 जैसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सैटरडे आ जाएगा। कितना आएगा, सैटरडे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर आएगा शनिवार आएगा। कितना आएगा, शनिवार आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कैसा दिखाई देगा। वर्ष 2020 का कैलेंडर, वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान दिखाई देगा, किस वर्ष के समान दिखाई देगा। यानी कि 2020 का जो कैलेंडर है, ये ऐसा कैलेंडर अब दोबारा कब दिखाई देगा। यानी कि कैलेंडर आपको पता है रिपीट होता है, रिपीट कब होगा तो आपको याद रखना है। रिपीट की कंडीशन में आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है 0 1 2 3। यदि शेष 0 बचे तो हमेशा 28 जोड़ देना है, शेष अगर 1 बचता है तो बच्चों 6 जोड़ देते हैं, और 2 3 बचे तो हमेशा 11 जोड़ देते हैं। यानी कि आपको नहीं, आप कहेंगे ये तो समझ नहीं आया, आपको समझ ऐसे आएगा। सबसे पहले जो समय दे रखा है, जो हमारी तारीख दे रखी है, यानी कि जो सन दे रखा है, सन में आपको करना क्या है, 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो आपको 28 जोड़ देना है। 4 के भाग देने पर अगर 1 शेष बचता है, 1 शेष बचता है तो आपको 6 जोड़ देना है। अगर 2 या 3 शेष बचता है तो आपको 11 जोड़ देना है, इतना करना है। 4 का भाग देंगे, 4 5 20, आप कहेंगे पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाते हैं तो आपको करना क्या होता है, इसमें 28 जोड़ना होता है। तो आप कहेंगे 20 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2048 आ जाएगा। क्या आएगा, 2048, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन की बात हम करेंगे। लिखा है 2044, 2076, 2040 और इसके बाद में 2096। अगर ये हमारे पास 2048 होता तो आप बहुत अच्छे से कर पाते, लेकिन मैंने ऑप्शन में 2048 को हटा दिया। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 48 भी तो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो आपने एक बार 28 जोड़ा, आंसर नहीं आया, तो आप एक बार फिर से 28 जोड़ेंगे। 48 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 8 8 16, इसके बाद 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा 2076 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 2076 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ ऐसे खेलता है, वहां पर 48 नहीं लिखेगा और आपको लगेगा क्वेश्चन कैसा दिया है, गलत दिया है। तो बच्चों याद रखना, वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, केवल एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहता है, वहां पर दो बार 28 आपसे जुड़ाना चाहते हैं, तो आपको दो बार 28 जोड़ना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा, 2076 आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अब आपको बताना है कि कोई भी दर्शक थिएटर ने, अच्छा इसमें लिखा है हमारे पास कुछ खिलाड़ी दर्शक, क्या लिखा है अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ खिलाड़ी दर्शक, कुछ खिलाड़ी क्या है, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं। अच्छा इसके बाद दे रखा है कोई भी खिलाड़ी थिएटर ने, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं। अच्छा इसके बाद में आपके निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष आपके दे रखे कई सारे निष्कर्ष दे रखा है बच्चों, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं। पहला निष्कर्ष क्या है,
कोई भी दर्शक थिएटर नहीं, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं, क्या दे रखा है, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं, ठीक है, ये तो पहला दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है, सभी थिएटर की संभावना है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं चित्र। इसमें क्या लिखा है, कुछ खिलाड़ी दर्शक हो जाएंगे, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं, और कोई भी खिलाड़ी जो है ना ये थिएटर नहीं है, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं, ठीक है। जब पता है इसका आपस में कोई रिलेशन है तो इसका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। आगे क्या लिखा है, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इतना भाग नहीं लेकिन बाकी शेष भाग तो हो सकता है, इतना भाग नहीं होगा मानते हैं, लेकिन क्या इसमें डायरेक्टली मना किया गया, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मना किया गया है, ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा तो हो सकता है, तो पहला गलत हो गया। सभी दर्शक की थिएटर होने की संभावना हमेशा सही होती है, बट यहाँ पर गलत होगी। क्यों गलत होगी, आप कहेंगे सभी कैसे हो सकता है, जब इतना हिस्सा हमारा किसके साथ चला गया, इतना हिस्सा खिलाड़ी के साथ चला गया, तो ये हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता है। हालांकि आपको पता है संभावना हमेशा सही होती है, लेकिन इस सवाल में संभावना आपकी गलत मानी जाएगी, क्योंकि इतना तो हमें दिख रहा है ना, ये हिस्सा कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारी संभावना भी क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। जिसमें पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसके दोनों क्या होंगे, दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, लिखा है एमएच की परपोती है, एमएच की परपोती है, इसके बाद और एच एन की माँ है, और एच जो है ये एन की कौन है, एन की माँ है, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा है एन एम की माँ है, ठीक है। आगे लिखा है एन एम की कौन है, आपको बताना है एन जो है एम की कौन है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए लिखा है एम जो एच की परपोती, परपोती का मतलब होता है पोती की बिटिया कौन होती है, यानी पोती की जो पुत्री होगी उसे बोलते हैं परपोती। तो आप कहेंगे एम जो है एच की, यहाँ पर अगर एच लिखा है इसकी परपोती का मतलब पहले इसका बेटा होगा, यहाँ पर पहले इसका बेटा आएगा, बेटा के बाद में इसका फिर से बेटा आएगा, इसके बाद में परपोती आएगी, यानी कि बहुत नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पर परपोती हो गई कौन, एच, यहाँ पर एच लिख देंगे। आगे लिखा है और एच जो है एन की माँ है, एच जो है एन की माँ है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, एन जो है एम की माँ है, और जो एन है वो एम की माँ है, एन जो है कौन है, एम की माँ है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम, क्योंकि इसकी माँ ये हो जाएगी, ठीक है। आगे पूछा गया तो बताइए एन की किसकी, एम की कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो देखो एम एच की परपोती है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें तो बोलेंगे माँ है, कौन है, माँ है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा है तो आपका आंसर क्या आएगा, माँ आ जाएगा, तो एन कौन है, तो आप कहेंगे एन कौन लग जाएगी, इसकी माँ लग जाएगी, ठीक है। आगे देखो फिर आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं, कभी कभी सामान्यतया, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, कभी कभी सामान्यतया, सामान्यतया या समानता, यदा कदा हमेशा, यदा कदा हमेशा, हमेशा,
इसे आपको क्या करना है, सजाना है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 53134, 53134, इसके बाद में 53214, 53214, इसके बाद में 53241, 53241, इसके बाद में 52431। इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, इसे आपको अरेंज करना है। आप कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा क्या, हमेशा, क्या आएगा, हमेशा आ जाएगा, यानी कि पांच से शुरुआत, क्योंकि पांच से शुरुआत तो सब में हो रही, हमेशा के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमेशा के बाद आ जाएगा क्या, कभी कभी, क्या आएगा, हमेशा के बाद आएगा सामान्यतया, तो पहले तो हमेशा आएगा, पहले हमेशा आएगा, फिर क्या आएगा सामान्यतया आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसके बाद आ जाएगा कभी कभी, इसके बाद क्या आएगा कभी कभी, है ना, और इसके बाद में क्या आएगा यदा कदा, और कभी नहीं तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि एक तो सबसे लास्ट में आएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आय सोहरत शिक्षा रोजगार, आय सोहरत, आय, आय के बाद में सोहरत, आय सोहरत शिक्षा, आय सोहरत शिक्षा, और लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है रोजगार, क्या दे रखा है रोजगार, इसमें आपको बताना है क्या होगा। इसका ऑप्शन दे रखा है 12, 34, 34, 34, 12, 34, 21, 43, 21, ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपके पास, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शिक्षा, उसके बाद हम करेंगे रोजगार, फिर हमारे से आय होगी, और लास्ट में क्या करेंगे, एस करेंगे, यानी कि शोहरत करेंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, सही हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी से क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है हेमंत ने नैतिक से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी के बेटी के दो भाइयों में से एक है, बताइए फुटबॉल खेल रहा लड़का हेमंत का किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए हेमंत ने कहा, हेमंत ने कहा क्या कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता, यानी कि हेमंत के पिता की पत्नी, पत्नी की बेटी, तो बेटी नीचे आ जाएगी, के दो भाई, तो एक भाई तो स्वयं हेमंत हो जाएगा, दूसरा भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा खेल रहा है, तो बताइए लड़का जो है जो फुटबॉल खेल रहा है हेमंत का कौन लगेगा, तो आपके हेमंत का कौन लगेगा, भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा, इसका आंसर क्या आएगा, भाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर भाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की बात कर लेते, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भाई आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कुछ खिलाड़ी, इसके बाद दे रखा है सभी नदियां बादल हैं, सभी नदियां क्या बादल हैं, सभी नदियां क्या बादल हैं, तो लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लिखा है सभी नदियां बादल हैं, चित्र बना लेते हैं, सभी नदियां क्या हैं, जितनी भी नदियां हैं ये सबकी सब क्या है, तो आप कहेंगे बादल हैं, ठीक है। कुछ जानवर नदियां हैं, और कुछ जानवर क्या है, तो आप कहेंगे कुछ जानवर नदियां हैं, ठीक है, कुछ जानवर नदियां हैं। पहला आपसे पूछा गया है कि बताइए कुछ नदियां जानवर हैं, क्या कुछ नदियां जानवर है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ बादल नदियां हैं, कुछ बादल नदियां, बिल्कुल सही है, भी हमारा मैच हो रहा है। सभी बादल नदियां, क्या सभी का यहाँ पर कहीं जिक्र चल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। सभी जानवर, तो सभी वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का कोई केस नहीं चल रहा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है, यहाँ पर पहला और दूसरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो, तो याद रखना पहला दूसरा सही है, बाकी सबके सब क्या है, गलत है। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए और कम समय में, लास्ट के दो क्वेश्चन में मैंने पॉज इसलिए किया था क्योंकि कम समय में आपको चीज़ें ज़्यादा देनी थी, ठीक है, लिखने में ज़्यादा समय लगता है, तो जो क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने पहले से लिखा है इसलिए कि क्योंकि आपको समय कम लगे, ठीक है, इतना उद्देश्य था। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखें, ठीक है, ओके, बाय बाय।